सॉल्ट लेक के सीजी ब्लॉक के 268 नंबर मकान में हुए एक चोरी के मामले में बिहार से रामदेव राणा नामक एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सीजी ब्लॉक के इस घर में विजय राणा नामक एक व्यक्ति काम करता था जिसका पिता है रामदेव। पुलिस सूत्रों के अनुसार पिछले 25 तारीख को घर के मालिक अंकित कोयाल की गैर मौजूदगी में घर से लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हो गया और विजय ने वो गहने बिहार जाकर अपने पिता रामदेव के पास रख दिए। जब घर के मालिक अंकित वापस लौटे तो उन्होंने घर से गहनों को गायब पाया, जिसके बाद अंकित कोयाल ने विधाननगर पूर्व थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज होने के बाद जब पुलिस छानबीन में उतरी तो छानबीन के दौरान पुलिस ने रामदेव को बिहार से गिरफ्तार किया, लेकिन रामदेव का बेटा विजय राणा अभी भी फरार बताया जा रहा है। गिरफ्तार रामदेव को पुलिस ने शुक्रवार को विधाननगर अदालत में पेश किया।